तो कजाफ स्टेडियम लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये तैयारी चल रही है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है। दोनों टीमों के जो T20 स्क्वाड हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। अगरचे मैच जो है दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी में जारी है, मगर T20 स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका था। तो जो खिलाड़ी T20 का हिस्सा है वो लाहौर में ही मौजूद हैं और जुमे के दिन से दोनों टीमें जो हैं वो ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस है, रेंजर्स है, पाक आर्मी के जो जवान हैं वो कजाफ स्टेडियम पहुँच चुके हैं। इसके इर्द गिर्द लगभग 70 से 80 दुकानें हैं कजाफ स्टेडियम के गिरदोनवा में, जो बंद कर दी गई हैं। हमेशा जब इंटरनेशनल मैच होता है तो उन्हें सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए बंद कर दिया जाता है। जाहिर है सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है, और ख़ासकर अब जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरह से बहाल हो चुकी है तो सिक्योरिटी जो है वो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का अरेंज किया जाता है हर बार जब भी मैच होता है। तो यहाँ पर कजाफ स्टेडियम में 11 फेब को मैच होना है, मगर अब से ही सिक्योरिटी अहलकारों ने स्टेडियम का जो इंतज़ाम है वो संभाल लिया है। और अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर शायकीन मैच देख सकेंगे। अफ्रीका का T20 नहीं मगर पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैच है वो शायकीन को देखने की इजाज़त मिल गई है, मगर 20% शायकीन जो हैं वो ही देख सकेंगे। जो PSL है वो 20 फेब से शुरू होगा, 22 मार्च तक जारी रहेगा, कराची से लाहौर तक, यानी दो स्टेडियम में खेला जाएगा। तो कराची के अंदर 7500 शायकीन आ सकेंगे और 5500 शायकीन कजाफी स्टेडियम लाहौर में मैच देख सकेंगे। ये निश्चर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कजाफी स्टेडियम मौजूद है, जहां पर पंजाब स्टेडियम भी है, यानी फुटबॉल स्टेडियम भी है, हॉकी स्टेडियम भी है, और इन तीनों स्टेडियम के इर्द गिर्द बल्कि एथलेटिक ट्रैक भी यहाँ पर बिछा हुआ है। तो इन 3-4 जो स्पोर्ट्स वेन्यू बनते हैं इसके इर्द गिर्द जो एक पूरे की पूरी दीवार है उनके 3 दरवाजे बनते हैं, खासकर 2 मेन दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाता है जब भी मैचेस होते हैं। अब 11 फेब से मैच शुरू होगा T20, उससे पहले यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होंगे जो आप पाक टीवी पर देख सकेंगे।